प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। देखिए, ये एक कृपा होती है, ऐसा नहीं कि वो शक्तियों की तरफ से कोई चीज़ बाइंडिंग होती है, लेकिन एक कृपा वो हर एक पर जारी होती है, लेकिन उनकी जो कसौटी हैं, जो उसको फॉलो करता जाता है तो वो कृपा बढ़ती जाती है। और वो तो एक खेल खिला रहे होते हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उस आदमी को अपने लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो शक्तियाँ, चाहे वो अगरबत्ती है, चाहे वो उनका माथा टेकना है, चाहे उनके स्थान पर जाना है, चाहे उनकी कोई पुस्तक पढ़ना है, होली बुक, वो एक एक चीज़ जो है वो देख रहे होते हैं और कृपा कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी जिन चीज़ों को आदमी छोटा समझता है या लाइटली लेता है, उसी वजह से वो कृपा रुक जाती है और आदमी के सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं रहता है। और जब वो चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं जो जो हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो उन शक्तियों की कृपा का एक रूप होता है, तो जो चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो वो फिर कृपा शुरू हो जाती है। और जो भटक जाते हैं और उन ऐसे उपायों में या कुछ ऐसा करने लगते हैं, या किसी शक्ति का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो आदमी कम करता है, इनडायरेक्टली ज़्यादा करता है, आगे से निकल गया, कोई सम्मान की भावना ना रही, या कहीं उसी शहर में रहते हैं लेकिन जाके उस जगह पर विजिट नहीं किया, तो शक्तियां फिर कृपा थोड़ी रोकती हैं, क्योंकि ये इनका नियम है। आप जहां से भी जा रहे हो, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको अंदर जाने की ज़रूरत होती है, जिसको भी मानते हो, बचपन से मान रहे हो, मानते हुए, अगर आप किसी विशेष देवी देवता के मंदिर हो या कोई कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ जहाँ वो शक्ति मौजूद हो, उनका मान चाहे बाहर से आप हाथ जोड़ के निकल जाते हो, या अगर हर बार नहीं कर सकते तो जिस शक्ति को मानते हो, तो जैसे माता का बोल सकते हो, जय माता दी कह के निकल जाओ, जय बजरंगबली कह के निकल जाओ, तो वो बाहर नहीं पड़ता है। और अगर आप तन के निकल जाते हो तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ शुरू हो जाता है। और ये और कुछ नहीं, वो शक्तियाँ सारी एक होती हैं, रूप चाहे उनका कोई भी रहे, मानिए आप किसी को भी, लेकिन उनका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक होती हैं। और जो आपके काम बनते हैं, ये उपायों से नहीं, ये इन्हीं चीज़ों से, उन शक्तियों की कृपा से बनते हैं। और वो एक एक चीज़ छोटी से छोटी हो, कितनी महीन हो, चाहे 10 साल पहले किया है या आज किया है, वो हर उनका लेखा जोखा सबका चल रहा है, और उसी तरह से वो कृपा भी कर रहे हैं। और आदमी जो सोचता है कि हमारे दिन नहीं बदलेंगे, या हम जितनी भी मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं आता है, कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं घूमते रह जाते हैं, वास्तव में वो और कुछ नहीं, वो कहीं कहीं चूक निश्चित रूप से कर रहा होता है, कोई गलती हो रही होती है, जिस वजह से वो कंटिन्यू करता जाता है। और जब वो ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं या कोई उल्टे सीधे उपाय करने लगते हैं, तो वो शक्तियाँ कभी कृपा नहीं करती हैं। और जो सच्चे मन के साथ चाहे 2 मिनट भी उनको याद करता है, तो वो कृपा करना शुरू कर देती हैं। हमने और किया ही क्या है, उसी शक्ति का एहसास कराया है कि वो शक्तियाँ हैं जो सब कुछ देख रही हैं और वो कृपा कर रही हैं। और ये अब क्योंकि इतना विशाल रूप ले चुका है, वो भावना देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि आप पहले आओ ये पूजा कराओ, कोई देवी देवता, कोई सच्ची शक्ति, कोई कुल देवी, किसी धर्म की मर्जी हो, वो कभी नहीं करते हैं। और जब भी मुसीबत में होते हैं, जब भी परेशानी में होते हैं, तो वो हमेशा साथ देते हैं, लेकिन जो भटके होते हैं तो वो कृपा रुकी होती है, या कोई गलती कर रहे होते हैं तब रुकी होती है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और भी मैच करती हैं, चाहे वो आपके कर्म हैं, चाहे अपने ऊपर खर्च करना है, चाहे परिवार के लिए है, क्योंकि उन्होंने आपके फैमिली के एक एक मेंबर का ध्यान रखना है। और वो तो पशु पक्षियों का भी रखते हैं, तो जो आदमी जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे वो उसको वापस भेज रहे हैं। और कई आदमी
ऐसे हैं कि वो घर पर अपने ऊपर नहीं, घर पर तो दूर की चीज़ है, वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते। तो वो शक्तियाँ जो आदमी सोचता है कि ये हम बचा रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। बचाना जरूर चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कटौती खर्चे काट करके या किसी का खाने का चीज़ काट के अगर आप बचत करते हैं तो वो हमेशा कृपा रुकती है और वो अपने भक्तों को कभी कमी नहीं आने देते। ये एक अटल सच्चाई है। जो हमेशा उसका क्या खर्चा होना है, कहाँ बड़े से बड़ा है, क्या उसकी इच्छा है या उसको कहाँ कहाँ से उसकी पेमेंट आनी है, कौन सा बिजनेस चलाना है, नौकरी नहीं है, कहाँ प्रमोशन है, तो वो एक एक चीज़ उनके लिए देना कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन उसका पात्र जरूर बनना पड़ता है। उस कृपा का पात्र बनने के लिए आदमी को उनको तो एक पल लगना है, लेकिन उस पल को पाने के लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। और सिर्फ जिन शक्तियों को आप अपने मंदिर में, कोई देवी देवता हैं या कुल देवी हैं, जिसको भी मानते हो, उनको मंदिर में तो सजा लेते हो, लेकिन साथ में और जो उपाय करते हो तब वो गड़बड़ शुरू होती है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोवा से आया हूँ, मेरे साथ में मेरी बीबी है आयुषी। मैं पुलिस में काम करता हूँ, कारपेंट्री का, और मेरी कमाई तो कम है लेकिन जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है और जेब में पैसा नहीं रहता। मैं घर बांधना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। जब भी मैं घर के बारे में बोलने को जा रहा हूँ तो आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा, ऐसा मेरे को जवाब मिलता है। हाल ही में मेरा एक्सीडेंट हुआ था गोवा में और उसी में मेरा थोड़ा पैर को चोट आ गई। और बाबा, मैं आपसे एक साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चों पर, मेरे बीवी पर, मेरी बीवी LIC कंसल्टेंट है, उस पर कृपा करो, मुझ पर भी कृपा करो। एक चीज़ बताओ कि सेंट फ्रांसिस के कब गए आप? नहीं गए। गोवा में रहते हो ना? हाँ। और गोवा में रह के सेंट फ्रांसिस के नहीं जाओगे तो कृपा कैसे आएगी? वहाँ जाके आओ कम से कम साल में एक या दो बार जी, तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी और काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी बाबा की जय। बाबा जी, दो चीज पूछना है। एक तो एक गुल्लक में कितने पैसे कहाँ पे, मतलब सिद्धि विनायक यदि जा रहे हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ पे कितना डालना है? और अगर भाई उसके लिए कई बार हम बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि जहाँ आप लोकल जाते हैं, घर के नज़दीक है, 10-5 कुछ भी डाल दिए, महीने में एक बार 50 रुपये डाल दीजिए अगर सिद्धि विनायक जाते हैं, या किसी शहर में किसी भी मंदिर में आप जाते हैं जहाँ महीने में 15 दिन में, तो 50 रुपये एक बार डाल दीजिए। 2-3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं तो वहाँ पर चाहे 10 डालिए लेकिन महीने में एक बार 50। और जब दूर जाते हैं, जहाँ साल में जाते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ति का स्थान हो, तो वहाँ 500 रुपये घर का एक मेंबर डाल सकता है, बाकी चाहे 100 या 50 कुछ भी डाल सकते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि कई बार हमें रोड पे भगवान के लॉकेट्स, अंगूठियाँ या धार्मिक छोटी पॉकेट साइज पुस्तकें ऐसे अगर किसी को मिल जाती है तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, रोड पे चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, किताब हो, लॉकेट हो या कुछ भी हो, वो आपने उठा के अपने मंदिर में लाके नहीं रखना है। घर लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा है तो वहाँ से उठा के आप विसर्जित कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन मंदिर में लाके कभी उसकी पूजा नहीं करनी, क्योंकि हर मूर्ति से, हर फोटो से
जो खंडित है या नीचे गिरी हुई है उससे कृपा नहीं आएगी। आप मंदिर जाते हैं वहां कोई मूर्ति लगी है या जो आपके अपने घर के मंदिर में लगी है, कृपा वहां से आती है। और कुछ लोग छलावा देने के लिए भी फोटो या मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो ध्यान उधर रहे लेकिन वास्तव में क्या है कि वो आपकी भावनाओं को वो खिलवाड़ कर रहे होते हैं कि वो भावना जो है वो अगर माँ काली की फ़ोटो लगा देंगे या साईं बाबा की लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे लेकिन मकसद उनका कुछ और होता है। तो आपने ऐसे भ्रम जाल में नहीं फंसना है। आप जब भी पूजा करें मंदिर जाके जो मूर्ति है उसकी करें या आप अपने जो घर में लगा रखी है फ़ोटो या मूर्ति उसकी करें। और जगह जगह जो आपको आगे करके डरा देते हैं, आपके मन में आता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सबसे डरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो लोग उस फोटो या मूर्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब गलत उसकी बुनियाद गलत है तो वहाँ कृपा कहाँ से आएगी, वो सिर्फ एक कागज़ की फिर फोटो रह जाती है, वहाँ कृपा नहीं। वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप एकदम बिना कुछ किए हुए वहाँ निकल सकते हो। कृपा जब भी आएगी मंदिर की है कोई तो वहाँ पर आप टेकोगे या अपने घर में तो कृपा आएगी। और घर में भी अगर माथा टेकते हैं आप तो शक्तियों की कृपा तो ऐसी है जहाँ मर्जी रहो तो वो उनका कृपा साथ रहता है। और उससे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कोई फोटो या मूर्ति लगी हो या कुछ और हो तो आपने जो पूजा करनी है मंदिर या अपने घर में। बाबा जी मेरा सवाल सभी के लिए है, जैसे कि हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं या शादी होती है उसके लिए जो इन्विटेशन हम कार्ड चॉइस करते हैं तो उसमें किसी भगवान का नाम लिखना चाहिए या ऐसा कोई कार्ड चॉइस करना चाहिए कि जिसपे गणेश जी की फोटो हो या किसी देवी देवता की? भाई ऐसा है क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, शुभ काम होता है, शादी का होता है, बिल्कुल गणेश जी का आप अगर मन करता है तो वो ले सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ जहाँ वो जाए तो वो लोग फिर शादी के बाद उसको विसर्जित कर दें या उसका, क्योंकि गणेश जी चाहे शादी के कार्ड में हो, चाहे फोटो में हो, चाहे कैलेंडर में हो, गणेश जी तो गणेश जी हैं, डेकोरेशन पीस नहीं है, उसका निरादर किसी रूप में नहीं करना है। मैं 10 महीने से जुड़ी हूँ आपके समागम से, मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं थी। अब समागम देखते समय मुझे बहुत शांति मिल गई घर में, तो मुझे सब के लिए आशीर्वाद चाहिए बाबा आपका। जय निर्मल महाराज की जय। निर्मल बाबा मैं कोपरगांव शिरडी से आया हूँ, मैं सूरत समागम में इच्छा प्रकट की थी कि बाबा हमारे घर में सुख शांति लाओ, तुम्हारे नाम से हमारे घर में सब सुख शांति हो रहा है, बहुत घर में झगड़े होते थे पहले। अभी मैंने 2 इच्छा प्रकट किए थे वहाँ के, हमारे घर में पहले भी गाड़ी थी पर नया गाड़ी लेने की हमारे लड़के की बहुत इच्छा थी, वो बाबा अपनी पूरी कर दी। हम जो नाम लेते बाबा का हमारे सब काम अच्छे हो जाते और सब सुख शांति हमारे परिवार में सुख शांति रखो बाबा जी, इतना हम ये कर रहे। नमन बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। मैं विशाल भूसा जवाहर नगर भंडारा से आया हूँ बाबा जी। मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस यह है बाबा जी कि इंदौर में आया था तब आपने कहा था कि एक विश मांगिए, उस टाइम मैंने बाबा जी यही विश मांगी थी कि बाबा जी मेरा एक ट्रांसपोर्ट का आपके नाम से बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो एक ट्रक लेके मैं चालू करना चाहता था। पिछले 15 दिन में आपने ऐसा कर दिया है कि मैं एक की जगह 2 ट्रक ले रहा हूँ और उस पर भी 75% मेरा काम हो चुका है बाबा जी, 25% बचा हुआ है जो आपकी कृपा से मेरा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी आप पर। और जो काम करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते वो आपने पिछले 15 दिन में ही कर दिया बाबा जी, इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए कोई नहीं है बाबा जी। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, कृपा कीजिए मेरे बाबा जी। जय निर्मल बाबा जी। जय निर्मल बाबा, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा मैं एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ, पहले भी मैं आपके यहाँ पुना के समागम में मैंने बोला था मेरा ये मंगलसूत्र 3 तोले का घूम गया था, वो 1 महीने बाद आपका नाम लेने के बाद रात को दूसरे दिन उसी जिसने चुराया था उसने लाके दिया था, ये मैंने लास्ट टाइम बोला था, बाबा का प्रणाम। बाबा मैं नासिक में रहता हूँ, मैं 15 साल से नासिक में नौकरी कर रहा हूँ बाबा, इसमें कुछ बरकत नहीं हो रहा है। तो बाबा एक मशीन खरीदा, मैं कंपनी में नौकरी भी करता हूँ और सिलाई मशीन भी खरीदा बैग सिलाने के लिए। तो बाबा मैं बहुत 5 कंपनी में गया
ऑर्डर के लिए, कोई ऑर्डर नहीं दिया, एक एजेंट मेरे को ऑर्डर दिया, थोड़ा थोड़ा काम चालू किया, सबको फोन नंबर दे के आया था मैं। काल बाबा जब मैं पुणे में आ रहा हूँ तब एक एजेंट का मेरे पास फोन आ रहा है, जे तुम्हारे को काम देना है तुम जल्दी आओ। तो मेरा घर ढूंढ के बाबा वो मेरा घर में काम दे के गया। इससे बड़ा और क्या मांगते बाबा, आप कृपा बने रखे। बाबा जी मैं आपके दरबार में एक हाल ही का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी पिछले महीने बाबा के दरबार में मैंने एक अर्जी लगाई थी, ऑनर्स फैक्ट्री भंडारा में मेरा एग्जाम है और उसमें मुझे सिलेक्शन होना चाहिए। बाबा जी की मुझ पे ऐसी कृपा हुई कि मेरा नाम टॉप लिस्ट में आया और मेरा सिलेक्शन डिफेंस में ऑनर्स फैक्ट्री भंडारा में हो गया। बाबा जी ये सब आप ही का चमत्कार है। बाबा जी आपका नाम लेने से हमारे सारी तकलीफें दूर हो जाती है। बाबा जी बस इसी तरीके से मेरे परिवार पे और मुझ पे कृपा करें। बाबा जी मेरे बाबूजी का रिटायरमेंट को एक साल बचा है, उसके पहले ही बाबा जी ने मुझे ही उसी ऑनर्स फैक्ट्री में सर्विस लगा दी। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं 2 साल पहले यहाँ पुणे में टिफिन बनाता था, तब कुछ भी बचा नहीं पाता था। फिर जब से आपका प्रोग्राम देखने लग गया, फिर मुझे ऐसी आपकी कृपा मेरे ऊपर चालू हो गई। आज महीने को मैं कुछ भी नहीं करता तो भी मैं महीने को 40-50 हजार कमा लेता हूँ। आज जो भी कृपा है आपकी है बाबा, आपका आशीर्वाद दीजिए बाबा। मगर मेरा एक्सपीरियंस एक ये है कि मैं दुबई में काम करता था, मेरी वाइफ यहाँ से फ़ोन किया दुबई में कि निर्मल बाबा का लाइव टेलीकास्ट आएगा, तो बेंगलोर में समागम होने वाला है, उसमें अगर तुम्हारे दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोला देखो मेरा सेट आएगा 2 बजे, वहाँ का 2 बजे, यहाँ का 3:30 बजे, ये समागम देखना नामुमकिन है। मैं कोशिश किया, मैं आपका प्रार्थना किया आपसे कि मेरे को आपकी दर्शन हो जाए टेलीविज़न में, मैं इसे धन्य हो जाऊंगा। इतने में मेरा जो सेट है वो 12 बजे जिस जो आदमी 2 बजे 2:30 बजे आने वाला वो 12 बजे आके मेरे को बोला जाओ तुम्हारा आज यहाँ पर नौकरी पूरा हो गया। मैं इससे धन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस हम पर कृपा करो। हे निर्मल बाबा जय श्री कृष्ण। बाबा जी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपकी कृपा से खड़ा हूँ। मेरी जॉब बहुत छोटी जॉब थी, आपने मेरे को बहुत अच्छी जॉब दिलवा दी। आपकी कृपा चाहिए मेरे परिवार के ऊपर और ऐसी कृपा आप बनी रहे, ये आशीर्वाद मेरे चाहिए आपसे।